उनका जो बेस है कंसेप्ट का वो एनसीईआरटी से ही है मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि एनसीईआरटी टोटली जो है एचपी टेट उसी को कंसीडर करता है अपने एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता है डायरेक्ट लाइंस उठाई गई हैं बाद में डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम फिलहाल आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जीनोटिपिक रेशियो डैश इज इन जनरेशन जनरेशन बाय सेल्फ ऑफ प्लांट क्वेश्चन को घुमा दिया हुआ है यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल जब हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास एफ वन जनरेशन आती है तो एफ वन जनरेशन जो आती है वो हमारे पास हाइब्रिड यूजली आती है मान लीजिए इस तरह से वो आती है हाइब्रिड फिर बोला है कि इसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन करना है इस तरह से तो आगे हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे तो इसकी जब हम सेल्फ uh, पॉलिनेशन करते हैं और तो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन यानी कि F2 टू जनरेशन जो आएगी उसकी रेशो पूछी हुई है यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन बी वन रेशो टू रेशो वन आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाई सेकेराइड तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन ऑप्शन डी ग्लूकोज इसमें सही हो जाएगा जो कि डाई नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन जंक्शन बिटवीन टू भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है उसे हम साइनाप्स कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की गई हम मॉर्फोलॉजी नहीं होगा टेक्सोनोमी नहीं होगा फिजिक्स भी नहीं है यहाँ पे फिजियोलॉजी जो इंटरनल होती है उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं नेक्स्ट स्टडी ऑफ पोल इज कॉल्ड पेलेनोलॉजी Uh, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है द द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट इज ये क्वेश्चन एनसीआरटी से ही है थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा हुआ है प्रिविलेंट वर्ड एनसीआरटी में यूज किया गया है कि नाइट्रोजन एक प्रिविलेंट एलिमेंट है जो कि मोस्ट अबंडेंट मोस्ट कॉमन आप इसके सीनो ने मान सकते हो यहाँ पे ऑप्शन ए नाइट्रोजन इसके लिए सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास सिक्सटी सिक्स and this this is 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 question water is released as as a drop dash this is known एंड दिस हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सभी आपके एनसीईआरटी से ही हैं गटेशन पहले भी कंसेप्ट काफी बार इन्होंने पूछा है अभी थोड़ा सा घुमा के पूछा था कोरेलाइट रूट डायरेक्ट एनसीआर क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी प्लांट से पहले जब हम चैप्टर नंबर थ्री ऑफ क्लास प्लस वन से डायरेक्ट क्वेश्चन साइकिल से एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपका कंसेप्ट है जहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि फेलोजन होता है फेलोजन क्या करता है कट करता है आउटर साइड को कॉर्क आउटर साइड को और इनर साइड को कॉर्क

प्लांट के ओव्यूल के अंदर वो प्रेजेंट होता है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल तो इसमें से कैल्शियम सही हो जाएगा कैल्शियम इसका कंपोनेंट नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैंने क्लोरोफिल पे आपको वीडियो करवाया था बायो बूस्टर सीरीज में उसमें क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर से लेके सारी चीजें डिस्कस की हैं उसमें ये चीजें मैंने डिस्कस करी थी विच ऑफ द फॉलोइंग आप मान सकते हैं ये जो क्लोरोफिल का क्वेश्चन uh, है

बर्ड हो जाएगा उसके अंदर बर्ड प्रेजेंट होते हैं की बात करें अगर हम तो यहाँ पे ये यह राइस की वेराइटी है आई आर एटिकम कॉमन इसका जो साइंटिफिक नेम है सैक्रम हमें पता है ये शुगर किन का नाम है सोनालिका जो है वो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट है पीछे इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बी ऑप्शन लेमिना यहाँ पे करेक्ट uh, हो जाएगा नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन है दैट इज पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय ग्रेन मेज के नॉन स्टिकी होते हैं ड्राई होते हैं तो एयर के थ्रू उसकी पॉलिनेशन यह होती है पॉलिनेशन बाय एयर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसचेनिक क्रॉप डिवेल्प टू टॉलरेट हर्बी साइड आर तो हर्बी साइड के लिए टॉलरेंट कौन सी क्रॉप है यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टोमैटो एंड टोबैको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि एन सी आर टी में इसका कोई क्लू नहीं है इसलिए वेलिड जो है मैं एनसीआरटी को ही कंसिडर करती हूँ तो वैसे तो इसका ऑप्शन डी ठीक है बट ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट देखते हैं

नेक्स्ट है इसमें मिडल लेमिला ऑफ सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन दिस सेल ऑर्गेनली इज़ इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट सेल सेंट्रियोल ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अमाउंट्स बिकम हाफ इन दिस फेज तो यूजुअली मियोसिस में हाफ होता है डीएनए का अमाउंट और एनाफेज वन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज क्वेश्चन बी ऑप्शन एस सी आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नाइन्थ और प्लस वन दोनों ही क्लासेस में हम ये क्वेश्चन देखते हैं इनफेक्ट ये वाला क्वेश्चन ज्यादा प्रोमिनेंटली नाइन्थ क्लास की एनसीआर में है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेंस अनोटमी इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लीफ ऑफ हमें पता है कि सी फोर प्लांट्स में क्रेंस अनोटमी पाई जाती है तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्योंकि मेज है आपका स्वर्गम है शुगर के सभी के सभी सी फोर्ड प्लांट है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिस क्वेश्चन साइटोप्लाजम में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कॉटेलेटन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड सेक्यूटलम इसका सही आंसर हो जाएगा अः कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो uh, सेक्यूटेलम इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दैट इज कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लारिंग प्लांट रिजल्ट्स बहुत लंबे समय से लंबे समय से सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है प्लांट के अंदर तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन कंडीशन आ जाती है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल बॉल एंड आर स्मॉलेस्ट सेल नोन

मोनोकोट्स में होता है मैंने आपको बताया था ट्रिक भी बताई थी इसके लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंस ट्रिप्स आर फाउंड इन बिटवीन ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा स्टूडेंट दैट इज एंडोडर्मिस ऑफ द रूट और ये डाइकोट रूट्स में पाया जाता है वर्ल्ड हैजाइस्ट डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट राइट आंसर हो जाएगा डेंसिटी बोला गया है डाइवर्सिटी नहीं बोला गया डेंसिटी de कहाँ पे होता है मतलब एक एरिया कंसिडर करा वहां पर बहुत ज्यादा एनिमल एक पर्टिकुलर वहां पर हाईली डेंस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन

सही आंसर है एंजल फिश ट्रू फिश है मुलस्का से बिल्कुल नहीं बिलोंग करती ठीक है डेबल फिश आपकी ऑक्टोपस है मलस्का से बिलोंग करती है तो सारे ये आपको पता होने चाहिए अगर आपको एग्जाम्पल पता है तब आप इसको कर पाएंगे मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यू बी सी डायरेक्ट एनसीआर क्वेश्चन 60 टू 65 होते हैं न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग देखिए स्टूडेंट कितना ज्यादा एनसीआर का वैल्यू बार बार मैं आपको कहती थी कि सिर्फ एनसीआर और एनसीआर पढ़ना इतना आसान भी नहीं होता है कि अगर आप एक महीना पहले पकड़ेंगे तो आराम से हो जाएगा नो एट लीस्ट अच्छे से पढ़ने के लिए आपको कम से कम पांच से छह महीने लगते हैं और अगर आपने पहले थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो मैं थ्री मंथ लेके चलती चल कि आपको और अगर आपके पास बने बनाए नोट्स आपको मिल जाते हैं तो आप इसको दो मंथ में भी कवर कर सकते हैं तो एनसीआरटीज

कैल्शियम एक्टिन ट्रोपोनिन सभी इन्वॉल्व होते हैं मसल कंट्रेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, ब्लाइंड स्पॉट हम उसे कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड क्योंकि सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसके अंदर पाया जाता है सी ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट है जो हॉर्मोन्स हैं उनका अदर नेम है ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा नॉन uh, एपीनेफ्रिन भी हम इन्हें कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ्टेड किडनी बेस्ड क्वेश्चन है आप इसको ऑर्डर ऑफ एनसीआरटी नहीं बोल सकते हो, concept वहीं का है किडनी मतलब जो हम बाहर से लगा रहे हैं किडनी तो सेल्फ मीडियटेड इम्यून सिस्टम वहाँ पे काम करता है टी सेल्स वहाँ पे काम करेगी क्योंकि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में जज करना शुरू कर देता है कि बॉडी के अंदर कुछ जो है वो बाहर की चीज ग्राफ्ट कर दी गई है तो उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट वो करती है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेर इन रिस्पॉन्स डायरेक्ट एनसीआर क्वेश्चन वायरस के लिए काम करते हैं इम्यूनिटी वाला जो चैप्टर है वहां पे हम जब बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन है ह्यूमन इंसुलिन इज बींग कॉमर्शियली प्रोड्यूसड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ यहाँ पे स्क्रीशियो कोलाई से बनाई गई है नेक्स्ट है फर्स्ट ह्यूमन हॉर्मोन भी है जो आर्टिफिशियली कॉमर्शियली बनाया गया है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड ये भी एनसीईआरटी से ही थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है तो सिलेक्टिवल जो मार्कर्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं जो एंटीबायोटिक्स है आपके ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट है विनरल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड बाय थ्रू अब आपको पता होना चाहिए मीनिंग इनका जो आपकी एस टी डीज हैं उन्हीं का अदर नेम है तो उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा ये इन्फेक्टेड मदर टू फीटस भी ट्रांसफर हो जाएगा यूजिंग स्टीराइन नीडल तो स्टीराइल अगर स्टेलाइजेशन करेंगे तो नहीं होगा यहाँ पे बोथ बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा

अब फादर एक ऐसा है जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी तो फादर कलर ब्लाइंड मदर थी तो एक कलर ब्लाइंड का जीन आएगा आपके पास ये दो कंडीशन है इनका क्रॉस करेंगे तो आपके पास क्या अप्रोच नहीं आ जाएगी देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्रॉस बना लेते हैं इस तरह से एक हमने कलर ब्लाइंड मदर के करेक्टर्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं फादर के तो यहाँ पे ये यह चीज यहाँ पे देखिए आप अब यहाँ पे एक्स सी अब यहाँ पे एक्स सी वाई और यहाँ पे ये टोटली totally क्योंकि जब डोमिनेंट कंडीशन यहाँ पे आ गई है तो ये दोनों ही इंडिविजुअल फिफ्टी परसेंट कलर ब्लाइंड होंगे ये जो इंडिविजुअल है ये कलर ब्लाइंड क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वाई हेल्दी जीन है अगर दोनों जीन्स पे जो है कलर ब्लाइंडनेस का जो है ये जीन आता है या इस तरह से तो ही इंडिविजुअल जो है वो कलर ब्लाइंड होगा मेल कभी भी कलर ब्लाइंड यहाँ पे क्यों नहीं होगा क्योंकि ये एक्स जीन के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है वाई के ऊपर जो है कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं आएगा इसलिए 50% परसेंट यहाँ पे क्या सही हो जाएगा 50% परसेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मैच करना था आपको अभी ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ पे देखिए पिटरी ग्लैंड डायबिटीज इंसिपिडस एडी एच हार्मोन से रिलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड ग्रेज डिजीज जो आपका आ, एक तरह से जो ग्वाइटर है वो बढ़ जाता है जब उस कंडीशन के लिए एड्रिनल ग्लैंड से यहाँ पे जो है वो एडिनसन डिजीज हो जाती है और पेंक्रियाज डायबिटीज इन सॉरी मिलिटस हो जाता है तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है वेक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन ईयर ऑल्स ईयर कैनाल इज कॉल्ड सबिशियस ग्लैंड ऑप्शन

कोलेस्ट्रॉल ये स्टूडेंट आपका आउट ऑफ एनसीआरटी आप यहाँ से इसको मान सकते हैं बायो से लेकिन केमिस्ट्री में प्लस टू में आ, आपका जो पॉलीमर मॉलिक्यूल वाला चैप्टर भी है तो वहां पे थोड़ा बहुत इसके बारे में दिया हुआ है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज इन मैन तो इसमें से प्लेग कॉलरा और सारी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं ऑप्शन ए मम्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग बाय अ फुल फुल्ड इनहलेशन जोर से सांस लेने के बाद भी कितना एयर एकट होता है उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेवलपिंग आर डेवेलपिंग इन अब ह्यूमन के केस में जो डेवलप कर रहा होता है एम्ब्रियो uh, उसकी जो है, वो लिवर के अंदर बनना शुरू होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन आर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स दीज आर डैश पेयर ऑफ देयर आर सॉरी देर आर डैश पेयर ऑफ क्रेनियनर्वस अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन अब यहाँ पे ब्रेन में कितने पेयर होते हैं क्रेनियनर्वस के ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर इनका नंबर होता है फीमेल विद टर्नो सिंड्रोम है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल यूट्रिस्ट रूडिमेंट्री ओवरीज एंड डेवेल्प ब्रेस्ट ऑल ऑफ दी डी ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर बायोसेक्शन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट कैन बी एक्सप्लेन हेल्प ऑफ किया जाता है अगर अभी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं आपने पेपर नहीं दिया है और या फिर आपका पेपर आज अच्छा नहीं गया है तो मैं एक चीज आपको बोल देती हूँ कि एन सीईआर टीज आप ले लीजिए इनको पढ़िए क्या होता है कि अगर एक बार हमारा पेपर अच्छा नहीं होता हम सोचते हैं कि अब नहीं करनी है तैयारी इस तरह के थॉट्स पे आना शुरू होते हैं आपने ऐसा नहीं सोचना है अभी से तैयारी करेंगे अगले टाइम के लिए तो बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे पेपर जैसे अनाउंस होता है तो थोड़ी सी क्रांति आती है तब थोड़े दिन पढ़ते हैं फिर जब फाइनली पेपर नजदीक आ जाता है आपके पास एक आधा महीना रहता है तो फिर वो जोश आता है फिर दो हफ्ते बचते हैं तो वो मतलब जोश वाली तैयारी शुरू होती है आपने अपनी थोड़ी थोड़ी स्टडी अगर अभी से करते जाएंगे तो पेपर तक एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी चाहे आप डेली के दो घंटे भी निकालिए आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी डेट